Hello everyone, once again welcome to our channel Maxwell Study Hub. So in the previous class we have started our topic chapter number 5 precipitation, जहां हमने precipitation के type देखे और मैंने आपको बोला कि upcoming video में हमारा जो rainfall है वो rainfall के topics हम detail में पढ़ेंगे. So सबसे पहला जो rainfall हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा conventional rainfall. ठीक है, ध्यान से सुनो. कन्वेंशनल रेनफॉल के जो टॉपिक्स हैं, अब यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन के जो टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये टोटल यहाँ पे साइंस लगता है. ठीक है, और ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यही आपको आने वाले हर वीडियो में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है. बिकॉज कैसा है कि ईच एंड एवरी चीज़ें यहाँ पर लिंक्ड है, इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ रेनफॉल, दैट इज कन्वेंशनल रेनफॉल. ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि कन्वेंशनल रेनफॉल, सबसे पहले समझो कि व्हाट इज कन्वेंशनल रेनफॉल. ठीक है, कन्वेंशनल रेनफॉल एक ऐसा रेनफॉल है, ठीक है, जो कि नॉर्मल जितने भी आप लोगों ने जो बारिश देखी है, जितने भी बरसात देखे हैं, ठीक है, वो उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल. सबसे पहली बात, ये ऐसा एक प्रेसिपिटेशन है जो कि लिक्विड इन स्टेट है, इसलिए इसे रेनफॉल नाम दिया है. जैसे आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर क्लाउड से सॉलिड या लिक्विड, ठीक है, वो क्लाउड टू ग्राउंड सर्फेस पे आना, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. तो ये जो प्रेसिपिटेशन है ये कौन से स्टेट में होगा, ये लिक्विड इन स्टेट में होगा, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल. ठीक है, कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि जो नॉर्मल आपका जो रेनफॉल होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल. अब देखो ये रेनफॉल होता कैसे है. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके यहाँ पर आपके लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है. आप सभी को रिक्वेस्ट है कि ये स्ट्रक्चर आप घर पे खुद बनाएं, बिकॉज ये स्ट्रक्चर आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा. ये हैंडमेडेड, सेल्फ हैंडमेडेड ये स्ट्रक्चर है. इसे देखते ही आपको कन्वेंशनल रेनफॉल का पैरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी. अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर बताता हूं आप लोगों को. जैसे कि यहां पर मैंने कुछ टर्म्स भी लिखा है, ये हमारा पहला वीडियो है, तो यहां पर मैंने बेसिक्स लीचर टर्म्स दिए हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, बिकॉज आप लोगों को ये चीजें मैंने ये वीडियो में बता दी. ठीक है, तो यहां पर मैंने अर्थ सर्फेस बनाया है और मैंने एटमोस्फियर को डिनोट किया है ए से. आप देख सकते हो मैंने एटमोस्फियर को डिनोट किससे किया है, ए से किया है. ए वन इज माय एटमोस्फेरिक लेवल वन. ठीक है, ए टू इज माय एटमोस्फेरिक लेवल टू, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये मेरा एटमोस्फेरिक लेवल टू है. ए थ्री इज माय एटमोस्फेरिक लेवल थ्री. ठीक है, और यहां पर मैंने आपको नीचे मेंशन किया है एटमोस्फेरिक लेवल. ठीक है, ई जो मेरा है ई, ये मेरा डिनोट करता है इवापोरेशन को. ठीक है, इवापोरेशन आप प्रोसेस जानते हो कि इवापोरेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, वेयर लिक्विड कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर्स, यानी लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसेस इन स्टेट. ओके, सो ये इवापोरेशन है. टेम्परेचर को डिनोट किया है मैंने टी से, आप देख सकते हो यहां पर. और एक प्रोसेस है कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन को मैंने डिनोट किया है सी से. ठीक है, सी यहां पर दिख रहा है आपको, तो यहां पर कंडेंसेशन हो रहा है. टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस में कब कंडेंसेशन हो रहा है, कब इवापोरेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें भी मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, यहां पर मैंने एम एच सी लिखा है. ठीक है, एम एच सी यानी कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी. देन एस डिनोट कर रहा है सैचुरेशन लेवल को. ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. सबसे पहले ध्यान दो डायग्राम पे. ठीक है, यहां पर आपको अर्थ सरफेस दिख रहा है. अर्थ सरफेस, अब सबसे पहले यहां पर बेसिक साइंस आपको पता होगा कि जैसे अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करता हूं, ठीक है, सो अर्थ सरफेस से जितने भी करीब एटमोस्फियर लेवल होता है वो सारे के सारे एटमोस्फेरिक लेवल के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि टेम्परेचर में वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं. ठीक है, और जैसे अर्थ सरफेस से आप ऊपर की टू आप अपवर्ड जाओगे, यानी कि आप स्पेस के टूवर्ड्स बढ़ोगे, वैसे वैसे क्या होगा, आप एक चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, एक चीज़ फील करोगे कि जैसे जैसे आप एटमोस्फियर के एटमोस्फेरिक लेवल चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ईच एंड एवरी एटमोस्फेरिक लेवल पे
में टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या बोला मैंने कि आप अर्थ सरफेस से अगर आप टूवर्ड्स जाओगे स्पेस, ठीक है, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी वक्त पे एटमोसफियर में टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और यही होता है वाइस वर्सा। अब कैसे, अगर आप अर्थ सरफेस से टूवर्ड्स अगर आप जाओगे कोर, यानी अगर आप कोर में जाओगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। दिख रहा है, आप अर्थ सरफेस से अगर स्पेस की टूवर्ड जा रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अर्थ सरफेस से आप कोर की टूवर्ड जा रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये है एक हमारा बेसिक साइंस जो बताता है कि कैसे टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। इसलिए बोलते हैं ना कि अर्थ सरफेस पे अगर आप रहोगे तो आपको जो नॉर्मल एटमोसफियर है जो हम अभी फील कर सकते हैं, और जब आप अगर एरोप्लेन से ऊपर की टूवर्ड जाओगे, ठीक है, तो वहां का एटमोसफियर काफी ज्यादा अलग होगा। तो ये यहां पर अर्थ सरफेस है और ये एटमोस्फेरिक लेवल वन है, यानी कि एटमोस्फेरिक लेवल वन पे टेम्परेचर कैसा है, काफी ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है यहां पर, और ज्यादा टेम्परेचर होने के वजह से यहां पर एक साइंस और लगता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। ठीक है, व्हाट इज इवापोरेशन, इवापोरेशन इज नथिंग बट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैसेस स्टेट। ठीक है, वो होता है हमारा इवापोरेशन प्रोसेस, जहां इवापोरेशन में क्या होगा, लिक्विड स्टार्ट होगा किसमें कन्वर्ट होना, गैसेस स्टेट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लो आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। अब मान लो मेरा आज डोसा खाने का मन हुआ, मैंने एक पैन लिया, ठीक है, वो पैन को मैंने काफी ज्यादा हीट किया, मैंने दो गैस पे मैंने दो पैन रखे, ठीक है, दोनों पैन पे मैंने मैंने बटन ऑन किया, एक पे मैंने गैस चालू किया काफी ज्यादा उसको हीट दिया, और दूसरा वाला पैन का मैंने फ्लेम ऑन किया ही नहीं, यानी कि वो पैन का फ्लेम ऑन नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मैं एक वाटर लेता हूं, एक स्पून ऑफ वाटर लेता हूं और मैं दोनों में स्प्रिंकल करता हूं, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि जो पैन फ्लेम ऑन है उस पर्टिकुलर पैन में जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। और वही जो पैन में फ्लेम नहीं चालू किया है वो पैन में वाटर वैसा का वैसा ही रह जाएगा, वो इवापोरेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। वैसे ही हमारे एटमोस्फेरिक लेवल वन पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर वेपर्स बनाए हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये ब्लू लाइन बता रहा है कि अर्थ सरफेस पे जितने भी पानी है वो पानी क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, एटमोस्फेरिक लेवल ज्यादा होने की वजह से इवापोरेट हो रहे हैं। अब ये जब इवापोरेट होंगे तो सिंस ये गैसेस स्टेट में है, यानी कि ये लाइटर इन वेट है, लाइटर इन वेट होने की वजह से ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेंगे। अपवर्ड जैसे ही मूव करेंगे तो एट एटमोस्फेरिक लेवल टू, ठीक है, इन्हें क्या मिलेगा, क्लाउड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्लाउड्स मिलेंगे। ये क्लाउड्स में ये गैसेस क्या हो जाएंगे, जाकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, क्या होगा, जाकर अट्रैक्ट और ट्रैप हो जाएंगे। देखो यहां पर मैंने क्लाउड बनाया है, ठीक है, और यहां पर मैंने मेंशन किया है वेपर्स मॉलिक्यूल, यानी कि ये जितने भी आपको जो सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन द क्लाउड, ये हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो एटमोस्फेरिक लेवल वन से हम कहां चले गए, एटमोस्फेरिक लेवल टू से, देखो वहां कैसे बढ़ रहा है, हम एटमोस्फेरिक लेवल वन से हम कहां पहुंच गए, एटमोस्फेरिक लेवल टू पे। जब वेपर एटमोस्फेरिक लेवल वन पे था तो वहां इवापोरेशन हुआ, जिसके वजह से जो वाटर था यानी लिक्विड था वो गैसेस स्टेट में हो गया। तो जब एटमोस्फेरिक लेवल टू पे पहुंचा तो टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया हैज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक लेवल वन, है ना, हैज कंपेयर टू द एटमोस्फेरिक लेवल वन, टेम्परेचर यहां पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इवापोरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन क्लाउड एटमोस्फेरिक लेवल टू से ये वेपर्स को होल्ड करके अपवर्ड फ्लो होने लगा, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, और जैसे ये एटमोस्फेरिक लेवल टू से एटमोस्फेरिक लेवल थ्री में जाएगा होगा क्या कि अगेन टेम्परेचर विल फॉल डाउन। ठीक है, देख रहे हो आप एटमोस्फेरिक लेवल वन पे टेम्परेचर गिर गया, एटमोस्फेरिक लेवल टू पे टेम्परेचर और गिरा, एटमोस्फेरिक लेवल थ्री पे और टेम्परेचर गिरा, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर एटमोस्फेरिक लेवल वन पे टेम्परेचर 15 है तो एटमोस्फेरिक लेवल टू पे टेम्परेचर कितना होगा, 10,
और अगर एटमॉस्फेरिक लेवल टेम्परेचर 2 पे 10 होगा तो एटमॉस्फेरिक लेवल 3 पे कितना होगा? 5। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा एटमॉस्फेयर कि ये जो क्लाउड में जितने भी वेपर्स ट्रैप थे ये ट्रैप्ड वेपर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे लिक्विड इन स्टेट में। यानी कि क्या होगा कि ये जो गैसेस हैं ये गैसेस कन्वर्ट होगा लिक्विड इन स्टेट में, और जहां गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड इन स्टेट में यानी कि क्या होगा, वहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन प्रोसेस? कंडेंसेशन प्रोसेस इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। बराबर, इवापोरेशन मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। यानी कि एटमॉस्फेरिक लेवल 1 पे जहां लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है वही एटमॉस्फेरिक लेवल 3 पे गैस वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बराबर, यानी कि यहां पर क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। अब कंडेंसेशन का एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने आपको इवापोरेशन का एक एग्जांपल लिया है एज अ पैन। अब कंडेंसेशन का एग्जांपल लो कि हम फ्रीजर में जो वाटर बॉटल्स रखते हैं, ठीक है, वो वाटर बॉटल्स अगर मैं फ्रीजर में से निकाल कर मैं अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखूं तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन ये होगा कि वाटर बॉटल के जो जितने भी सरफेस है वो सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? बिकॉज वो ठंडे एटमोसफियर पे था इसलिए वहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ। समझ रहा है? अब आप बोलोगे सर ये बरसात होती कैसी है? अब यहां पर इवापोरेशन तो हो गया, यहां कंडेंसेशन भी हो गया, अब सर बरसात होगी कैसे, रेनफॉल होगा कैसे? तो वो ऐसे होगा कि यहां पर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी दिया है। क्या दिया है? मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लाउड के पास मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। क्या होता है? मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखो, आपको स्पंज को लेकर देता हूं, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये मैं आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप उसको इमेजिन करो एक्सपेरिमेंट को। अगर मैं एक स्पंज ले लेता हूं, ठीक है, और वो स्पंज में मैं करता क्या हूं कि मैंने एक स्पून ऑफ वाटर लिया और स्पून ऑफ वाटर मैंने स्पंज पे डाला, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? स्पंज उस पानी को सोख लेगा। बराबर, वापस से मुझे मैं अभी क्वेश्चन मार्क हूं कि पानी गया किधर, मैंने स्पंज में पानी डाला वो पानी गया किधर? ठीक है, मैंने वापस से क्या किया, वही ऑब्जर्वेशन मैंने दोहराने के लिए मैंने क्या किया कि एक चम्मच पानी और मैंने स्पंज पे डाला, क्या होगा? पानी वापस गायब हो जाएगा। आइला जादू, वापस मैंने एक पानी लिया, एक चम्मच पानी और लिया और वापस मैंने स्पंज पे डाला, पानी वापस यहां पर गायब हो जाता है। तो अब मुझे गुस्सा आया, अब मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और पूरे एक गिलास पानी डाल दिया, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये होगा कि स्पंज इतना ज्यादा गीला हो जाएगा कि वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी कि मॉइस्चर को सैचुरेट कर देगा। उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलोगे? सैचुरेशन। ठीक है, यानी कि क्लाउड्स में भी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। क्लाउड मॉइस्चर को तब तक होल्ड करेगा जब तक उसकी कैपेसिटी होगी। एक सर्टन लिमिट तक जब कैपेसिटी खत्म हो जाएगी क्लाउड क्या करेगा, वही पानी को नीचे छोड़ देगा। यानी हो क्या रहा है, नीचे फटाफट इवापोरेट हो रहा है, वेपर्स बन रहा है, वेपर्स बन के कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन होकर ड्रॉपलेट बन रहा है, और ड्रॉपलेट्स सारे के सारे कलेक्ट हो रहे हैं, और जैसे ही मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म होगा, ठीक है, बारिश आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ऑफ रेनफॉल में सबसे पहला वाला कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, ये रेनफॉल में जितना हमने अभी पढ़ा वो आने वाले आपके नेक्स्ट रेनफॉल में आपको साथ देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये पर्टिकुलर फिगर बनाना है, फिगर बना के इसको याद करना है, इसको एक बार देखना है। देखो साफ साफ यहां पर लिखा है एटमॉस्फेरिक लेवल 1, ईच एंड एवरी चीजें मैंने यहां पर मेंशन की है कि टेम्परेचर का एरो तक बताया मैंने कि हाई टेम्परेचर है, इवापोरेशन हाई है, एटमॉस्फेरिक लेवल 2 में गया, टेम्परेचर गिर गया, इवापोरेशन भी गिर जाएगा, नहीं होगा इवापोरेशन, क्लाउड्स में सब वेपर्स स्टिक हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएगा, 3 पे गया, 3 पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हो गया और बाद में रेन होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से क्लाउड से यानी हायर एलिवेशन से प्रेसिपिटेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड टू द ग्राउंड, ठीक है, अर्थ सरफेस।
होप आप लोगों को सभी को ये कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ रेनफॉल ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट हम टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो होगा ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नया है. ठीक है, वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नया है और वही आपको 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसे कंसेप्ट आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड हुए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इनके अच्छे से नोट्स बनाइए. ठीक है, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.